विदेशों से है, वो ये मेला लगा हुआ है, ये कलाकार हैं। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ लाल किले। तो आप देख सकते हैं ये मेट्रो स्टेशन लगता है लाल किले का। वाइट ये लाइन है, वो वाइल्ड लाइट लाइन है। और आप मेरे पीछे हैं वो देख सकते हैं, यहाँ पे इधर आपको लाल किला है वो नज़र आ रहा होगा। तो चलो हम डायरेक्ट चलते हैं लाल किले। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो बने रहे आप मेरे ब्लॉग में ऐसे ही। तो चलो चलते हैं लाल किले की तरफ। आप देख सकते हो हम आ चुके हैं यहाँ पे लाल किले की तरफ। और यहाँ का व्यू है वो आप देख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ का व्यू है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम अंदर आ गए हैं लाल किले में। तो ये देखिए है, और रेड किला इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये रेड पत्थर से बनाया गया है पूरा, आप देख सकते हैं। चलो आगे की तरफ चलते हैं। लाल किला है वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लाल बालू पत्थरों से बनाया हुआ है, और इसे मुबारक भी कहा जाता है लाल किले को। और ये है जो किला, वो पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था जब अपनी कैपिटल को आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था। उस टाइम में इसे इस किले का निर्माण किया गया था, और इसे डिजाइन है उस्ताद अहमद लाहौरी ने दिया था। और ये किला है वो 250 एकड़ भूमि में इसे बनाया गया है, काफ़ी बहुत बड़ा ये किला है। और यहाँ पर है वो 15 अगस्त को है वो ध्वजारोहण है वो किया जाता है। और इसे इस किले को है वो भारत का राष्ट्रीय गौरव भी माना जाता है। और इस किले का इतिहास है, बहुत ही दिलचस्प इतिहास है। और मुझे अगर आगे टाइम मिला तो मैं इस किले में आपको ज़रूर लेके आऊँगी। आज तो यहाँ आके मूड ऑफ हो गया यार, एंट्री अंदर है नहीं, इतनी दूर आए सफ़र करके। फ्रेंड्स एक व्लॉग बनाने में बहुत ही परेशानी होती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग को शेयर करना और लाइक करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कि आप देख सकते हैं इतनी दूर आते हैं और इस तरीके से जब कुछ हो जाता है तो बहुत ही बुरा लगता है, आप समझ सकते हो इस बात को। जो ये लाल किला है ये नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे है वो कपल वगैरह है उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह है, यहाँ पे आप घूमने आ सकते हो। तो आप देख सकते हो लाल किले को देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। ये देखो फ्रेंड्स यही वो मेला है लगा हुआ जिसकी वजह से है वो आज किले को बंद कर दिया गया है। और ये कोरोना काल में तो 2-2.5 साल 3 साल मतलब ये बंद रहा था, लेकिन अब तो ये खुल गया है, लेकिन आज तो मेले की वजह से है इसे बंद कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स ये शायद विदेशों से है वो ये मेला लगा हुआ है, ये कलाकार हैं वो यहाँ पे आए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहे हैं। ये मेला है भारत भाग्य विदाता मेला लगा हुआ है आज, यहाँ पर देश विदेशों से कलाकार आए हुए हैं, इसीलिए ये बंद कर दिया गया है आज। तो पहले नहीं पता था, अभी पता किया है। तो यहाँ पे कलाकार वगैरह सब लोग आए हैं इसीलिए रेड फोर्ट को बंद कर दिया गया। फ्रेंड्स रेड फोर्ट का है वो व्लॉग मैं यहीं तक बना पाई, और अगर आगे अगर मुझे टाइम मिला तो मैं रेड फोर्ट में एक बार आपको ज़रूर लेके आऊँगी। तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट करते रहे ना। तो आज का ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।